नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन की और उसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे पहले साथियों, हम लोग समझ लेते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है। हाइपर पिगमेंटेशन या फेशियल पिगमेंटेशन साथियों, जब आपके सन रेज स्किन पे पड़ती हैं तो जो मिलेनोसाइट्स होते हैं वो मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। यही मिलेनिन पिगमेंट आपकी स्किन पे इकट्ठा होता है और यह मिलेनिन पिगमेंट आपकी स्किन पे इकट्ठा होने के बाद यह जो है स्पॉट्स बना लेता है। बाद में जब हम लोगों का सन एक्सपोजर कम हो जाता है तो सन एक्सपोजर तो कम हो जाता है लेकिन मिलेनिन पिगमेंट कम नहीं होता, वह उसी तरह बना रहता है और हम लोगों को ब्राउन स्पॉट्स की अपीयरेंस देता है। साथियों, अब इसके जो है वो कारण तमाम हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो सन एक्सपोजर ही होता है जिसके कारण यह होता है। इसके अलावा तमाम एलर्जीज, एक्जेमा होते हैं जिसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, उस समय मिलेनोसाइट्स बनते हैं और मिलेनिन पिगमेंट बनता है और वहाँ बाद में वो पैचेस रह जाते हैं, जैसे कि सोरायसिस इत्यादि बीमारियाँ। साथियों, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि हमारे पिगमेंटेशन हो गया तो इसको हम लोग दूर कैसे करें, इसकी साथियों होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएँ हैं जो आपका पिगमेंटेशन दूर कर देंगी। दवाएं बताने से पहले साथियों, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यह जो प्रोग्राम है, पूरा एक कंसेप्ट है, यह आपके एजुकेशन होम्योपैथी का अवेयरनेस और स्प्रेड के लिए हमारा भारत सृजन का प्रयास है। दवाएं अन्य डॉक्टरों के राय से और सिम्टम के हिसाब से होम्योपैथी में भिन्न भी हो सकती हैं, इसलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ना लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप दवा लें तो वही उचित और सही तरीका है। अब साथियों, हम लोग आते हैं हाइपरपिगमेंटेशन हो गया उसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। साथियों, सबसे पहली होम्योपैथिक दवा, जो बेस्ट दवा होम्योपैथी में पिगमेंटेशन दूर करने की है, हाइपरपिगमेंटेशन फेशियल पिगमेंटेशन दूर करने की है, वह है सीपिया। आप सीपिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं अपने हाइपर पिगमेंटेशन को फेस के दूर करने के लिए। यह बहुत ही कारगर दवा है उस स्थिति में जब ज़्यादातर केसेस में पेशेंट महिलाएं हों और वो थोड़ा दुबली पतली हों और उनमें वीपिंग डिस्पोजिशन हो, बहुत जल्दी रोना आ जाता हो बात पे, अगर यह सिम्टम्स साथियों है तो निश्चित रूप से आपकी दवा सीपिया है। फिर साथियों, एक दूसरी स्थिति आती है कि जब आपकी स्किन ड्राई हो गई और हाइपर पिगमेंटेशन हो गया हो। यदि आपकी स्किन ड्राई हो गई और हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है, इसकी बहुत अच्छी दवा सल्फर है। सल्फर 30, बल्कि मैं कहूँगा सल्फर 1 ml, सल्फर 1000 पावर में आप वीकली एक डोज ले लें तो जो ड्राई स्किन के बाद आपके हाइपर पिगमेंटेशन आया है वह जाना शुरू हो जाएगा और 2 से 3 महीने में चला जाएगा। सल्फर के पेशेंट को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, थोड़ा उसका डर्टी लुक होता है, थोड़ा नहाना वहाना उसे नहीं पसंद होता है, उसे सर्दी ज़्यादा लगती है और कंबल में पड़े रहना पसंद करता है और मीठी चीज़ें उसको बहुत पसंद होती हैं। यदि यह सिम्टम है तो आपकी दवा सल्फर है। फिर साथियों, एक दूसरी स्थिति आती है कि सन एक्सपोजर से आपके पिगमेंटेशन हो गया, धूप पड़ी जो कि मेन कारण है और उससे फिर आपके पिगमेंटेशन हो गया। यदि साथियों यह स्थिति है तो इसकी 2 बहुत अच्छी दवा हैं। पहली दवा साथियों है कैलेडियम सल्फेटम। कैलेडियम सल्फेटम आप 32 बूंद दिन में 3 बार यदि ले लेते हैं तो आपका सन एक्सपोजर से जो पिगमेंटेशन हो रहा है वह ठीक हो जाएगा। और दूसरी दवा इसकी ग्लोनाइन 30 है। ग्लोनाइन 30 उस स्थिति में कारगर दवा है जब आपके आधे सर का दर्द उठ रहा हो और साथ में आपके सन एक्सपोजर से पिगमेंटेशन हो रहा हो। यदि इस तरह के सिम्टम आप में पाए जाते हैं तो आपकी दवा ग्लोनाइन 30 है। इसको आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपका माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा और आपका जो सन एक्सपोजर के कारण हाइपर पिगमेंटेशन है वह भी ठीक हो जाएगा। साथियों, एक स्थिति आती है जब आपके हाइपर पिगमेंटेशन हो ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ट्रबल। अगर मेंस्ट्रुअल ट्रबल, पीरियड का डीरेंजमेंट है और आपका उस कारण हाइपर पिगमेंटेशन हमारे घर की महिलाओं में हो रहा है तो इसकी बहुत अच्छी दवा साथियों पल्सेटला है। पल्सेटला 32 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें जब आपको प्यास कम लगती हो या ना लगती हो और आपका पीरियड लेट होता हो या स्कैंटी होता हो, अगर वह स्थिति है और आपके हाइपर पिगमेंटेशन है तो आपकी दवा पल्सेटला है। पल्सेटला 32 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक स्थिति साथियों और आती है हाइपर पिगमेंटेशन की। अगर हाइपर पिगमेंटेशन आपको इरप्शन से है
आपके चेहरे पे दाने आ रहे हैं, एक्नी आए, पिंपल्स आए और बाद में वहाँ दाग छोड़ गए, अगर इस तरह का आपके फेस पे स्कार्स और पिगमेंटेशन है तो इसकी दवा बर्बेरिस एक्यूफोलियम है। आप बर्बेरिस एक्यूफोलियम 30 मदर टिंचर की 20 ड्रॉप सुबह शाम पी लें और बर्बेरिस एक्यूफोलियम को एक स्पून में 5 बूंद आधे एक स्पून पानी में बॉइल्ड वाटर में आप 5 बूंद डाल लें, जब वो पानी ठंडा हो जाए और उसको कॉटन से आप चेहरे पे स्पॉट पे लगा लें तो भी आपका स्पॉट ख़त्म हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे, आपके स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। फिर साथियों एक और स्थिति आती है मेनोपॉज की। मेनोपॉज में जब हाइपर पिगमेंटेशन हो या मेनोपॉज के आसपास हाइपर पिगमेंटेशन हो साथियों, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है लिकेसिस। लिकेसिस 1 mg का आप एक ड्रॉप प्रति वीक ले लें, पर वीक ले लें, तो आपके ये समस्या पिगमेंटेशन की जो आपकी मेनोपॉज के दौरान हो रही है वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे, आपका पिगमेंटेशन साफ हो जाएगा। एक साथियों और कंडीशन आती है कि आपके फ्रेकल्स हो गए हों, अगर आपके चेहरे पे फ्रेकल्स हो गए और हाइपर पिगमेंटेशन है तो थूजा भी इसकी बहुत अच्छी दवा है। आप थूजा 200 पावर में दिन में 3 बार 2-2 बूंद ले सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा और आपका पिगमेंटेशन पूरी तरह ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों एक कंडीशन आती है डायबिटीज़ की। आपके डायबिटीज़ मेलेटस है, ब्लड शुगर है और उससे आपके ब्राउन बटरफ्लाई लाइक स्पॉट्स दोनों तरफ बन गए हैं। यदि यह स्थिति आपकी डायबिटीज़ में हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है साथियों, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है आर्सनिक एल्बम। आप आर्सनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम, आपका डायबिटीज़ के कारण होने वाला हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। और आर्सनिक एल्बम डायबिटीज़ की भी बहुत अच्छी दवा है, उसमें बहुत लाभ देती है। साथियों एक और कंडीशन आती है जब आपका पेट खराब रहता हो, यदि पेट खराब रहता है उसके कारण आपके इंडाइजेशन है साथियों, तो इसकी बहुत अच्छी दवा लाइकोपोडियम है। पेट में गुड़गुड़ाहट होती हो, गैस बनती हो और कब्जियत रहती हो तो आप लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको लाभ हो जाएगा। इसके अलावा पेट खराब होने पर साथियों एक और बहुत अच्छी दवा है, वह है प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट 30 की आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें तो भी आपका पेट खराब होने के कारण होने वाले स्पॉट पिगमेंटेशन जो है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, इस प्रोग्राम का मकसद होम्योपैथी को स्प्रेड करना है, अवेयरनेस लाना है, आपको ये बताना है कि होम्योपैथी में हाइपर पिगमेंटेशन की बहुत अच्छी दवाएं हैं। दवाएं आप किसी भी कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें, क्योंकि डॉक्टर के सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर की दवाएं आपके लिए भिन्न हो सकती हैं इन दवाओं से, और उससे इसके विषय में बहस भी ना करें क्योंकि आपके सिम्टम के आधार पर दवाएँ कुछ अलग भी हो सकती हैं, लेकिन लें दवा हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही। साथियों वीडियो एक वीडियो साथियों हमारा और इसी चैनल पे पड़ा है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने के घरेलू नुस्खे हैं। अगर आपके पिगमेंटेशन हो रहा है तो घरेलू नुस्खे का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो क्लिक करके घरेलू नुस्खे भी जान सकते हैं, बहुत कारगर नुस्खे हैं, वह वीडियो भी आपके काम आएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे क्वेश्चन पैनल में जो है वह अपना सवाल लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको उसका संतोषजनक और कारगर उत्तर दिया जा सके। साथियों यह प्रयास था भारत सृजन, आयंस इंडिया होम्योपैथी और डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक की तरफ से आपके वेलबींग के लिए। अगर आपको यह प्रयास साथियों पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये नोटिफिकेशन का बेल बटन है उसको भी आप दबा दें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो आपके लिए आप उनको पहले से मालूम होता रहे आपको। धन्यवाद।